हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसआर राजपूत। दोस्तों आज हमारे पास आई है इलेक्ट्रिक बाइक, मेरी खुद की बाइक है। दोस्तों इसके जो बेरिंग होते हैं हब में, वो बेरिंग ख़राब हो गए, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बेरिंग कैसे निकाल जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये दो देखो दोस्तों, ये रहती है डस्ट सील, बेरिंग के ऊपर रहती है, इसको डस्ट सील बोलते हैं। ये बेरिंग के ऊपर लगी होती है ताकि डस्ट और पानी अंदर ना जाए मोटर के। और ये है बेरिंग, ये बेरिंग है, इसमें 6200-6400 नंबर का बेरिंग लगता है। इसको हम ऐसे ऊपर से ठोकेंगे, यहाँ से निकलेगा। तो ये भाई साहब अभी निकालेंगे भाई, इसको गोटी दे रहे, यदि गोटी है गोटी निकाल दे। अब ठोके जाए ठोक, बराबर ठोक, अच्छे से ठोको इसको। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो तो है। जबरदस्त, ये एक तरफ की प्लेट है, ये इधर हम ब्रेक शू लगाते हैं, ये इधर का ये प्लेट है। और मेन जो प्लेट है वायरिंग वाली इधर की, इसको निकालने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, क्योंकि जो वायर है ये सॉकेट आसानी से निकलना चाहिए। जो कुछ मोटर होते हैं को बड़े बड़े सॉकेट होते हैं, तो उनको यहाँ से निकालना पड़ता है, लेकिन इसको यहाँ से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे निकल जाएगा। तो चलो इसको भी निकाल लेते हैं। जब भी आप प्लेट खोले या कुछ भी करें, पहले सॉफ्टिंग को ऐसे नट लगाइए ताकि जो चूड़ी है वो ख़राब ना हो। इसलिए ऐसे ऐसे रखो इसको। दोस्तों इसका टायर भी ख़राब हो गया था, इसलिए हमने टायर भी खोल दिया इसका। और एल्को तक का टायर लगा था इसमें, पूरा का पूरा ख़राब हो गया, 9 महीने में ख़राब हो गया अभी। तो क्या चाहिए तेरे को? ये ले, ये पंचर का टूल है, ये आसानी से निकलता है। थाम थाम, रुक 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 रुक, रुक बे। रुको 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 रुको, इसको थोड़ा आराम से निकालना पड़ता है ताकि जो हॉल सेंसर लगे इसमें मोटर में वो ना निकले। मोटर पर पुल, मोटर पुल हो रही है थोड़ी निकल। एक काम करो,
दोस्तों ये वायर वाली जो इधर का शाफ्ट है इसको जो जंग कारण ये प्लेट आसानी से नहीं निकलती, तो इसको पहले हम रेड मेटल पेपर से साफ करेंगे, फिर ये थोड़ी सी जल्दी निकल जाएगी, उतनी दिक्कत नहीं जाएगी निकालने को। चालू क्लास कब आना है? एक घंटे बाहर नहीं करी घटे, बहुत स्ट्रांग मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट हो ना। तो ये ऐसे नहीं निकलती, तो हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एकदम हल्का हल्का थोकना पड़ता है इसको। दोस्तों ऐसी निकल गई, इसको थोड़ा प्यार से निकलना पड़ता है। ये छोटा वाला सॉकेट है, बाकी जो मोटर्स है बाकी कंपनी की उनमें थोड़े बड़े बड़े सॉकेट रहते हैं, तो निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। तो उनके जो इधर के वायर होते हैं उनको उनका लॉक निकाल के ये सॉकेट ऐसे निकाल के उनको ये वायर निकालना पड़ता है। तो ये छोटा वाला सॉकेट है, तो यहाँ से आराम से निकल सकता है ये, इसको ऐसे निकालने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं जाती। निकल गया ये, तो चलो हम इसको बेरिंग भी निकाल देते हैं एकदम प्यार से। चल भाई बेरिंग निकाल इसका, दोस्तों इस साइड भी एक वाटर सील रहती है ताकि डस्ट ना जाए। वाटर सील निकल गई, अभी हम इसका बेरिंग निकालेंगे। बेरिंग निकल भाई, बैठो। दोस्तों एक क्रैंक की पिन है जो क्रैंक में लगती है, इससे बेरिंग एकदम अच्छी तरीके से निकल सकते हैं और निकलते भी है। इससे बेरिंग डालते वक्त और निकालते वक्त इतनी तकलीफ नहीं आती, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसी कुछ पिन यूज़ कीजिए बेरिंग निकालते वक्त और बेरिंग डालते वक्त, ये बहुत अच्छी रहती है भाई। बेरिंग दोस्तों एक ग्रिड कंपनी के बेरिंग है, अच्छे क्वालिटी के, तो हम यही डालने वाले हैं।
इसके पहले हम ग्रीस चेक करते हैं इसमें प्रॉपर ग्रीसिंग। दोस्तों मैं आपको ये नोट कर लीजिएगा कि जब भी आप नए बेयरिंग डालें तो उसकी जो ग्रीस ये सील रहती है उसको खोल के हमेशा देखिए कि जो बेयरिंग है उसमें प्रॉपर ग्रीसिंग की हुई है या नहीं, क्योंकि बहुत से कंपनियां प्रॉपर ग्रीसिंग की हुई नहीं होती। तो ये देखो इसमें थोड़ा कम ग्रीस लगा हुआ है, हम इसमें ग्रीस भरेंगे अच्छी क्वालिटी का और फिर इसको इस प्लेट में ठोक देंगे। एकदम अच्छे क्वालिटी का ग्रीस है, एकदम लबलबा। दोस्तों वैसे मोटर के लिए अलग टाइप का एक ग्रीस आता है जो हाईली रेजिस्टेंस हीट रेजिस्टेंस वाला होता है, वो थोड़ा महंगा आता है। मेरे को वो मिला नहीं मार्केट में मैंने ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं। ब्लू कलर का होता है, तो मैं अगली बार जब भी इसके बेयरिंग ख़राब होंगे तो मैं वही डालूँगा, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा और आपको भी देखने को मिलेगा कि कौन सा ग्रीस है, कौन से कंपनी का है और कितना अच्छा है। उसका लाइव एक्सपेरिमेंट करके बताऊँगा मैं कि वो कितना हीट रेजिस्टेंस होता है करके, ठीक है। इसमें अच्छे से प्रॉपर ग्रीसिंग करेंगे हम इसको, अच्छे से एकदम दबा दबा कर ग्रीस बनेंगे। दोस्तों इसकी पूरी प्रॉपर ग्रीसिंग हो गई है। दोस्तों इसमें जो कंपनी का लगा हुआ ग्रीस आता है वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि बेयरिंग को जंग ना लगे और बेयरिंग प्रॉपर रहे, इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं वैसी जो कंपनी का लग के जो ग्रीस आता है उसको ऐसे ही फिट कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें, आप हमेशा उसको चेक कीजिए और उसमें अच्छे प्रॉपर तरीके से उसमें ग्रीस भरिए दबा दबा के ताकि बेयरिंग जल्दी ख़राब ना हो। तो हम अभी बेयरिंग ठोकेंगे इसमें, ठोक भाई। दोस्तों इसमें सिलिकॉन गैस्केट लग के आती है ताकि जो मोटर है मोटर में पानी ना जाए, इसलिए इसको सिलिकॉन गैस्केट लग के आती है। मैं अगर जब भी आप मोटर खोले तो ध्यान रखें कि आप इसमें सिलिकॉन गैस्केट जरूर लगाएं ताकि मोटर जल्दी ख़राब ना हो। हमारे पास सिलिकॉन गैस्केट है, हम वही लगाएंगे। बराबर दोस्तों इसमें ऑयल सील लग गई है और बेयरिंग भी लग गया है, इसकी जो सिलिकॉन गैस्केट है वो भी निकल गई। अभी हम इसमें नई सिलिकॉन गैस्केट लगाएंगे ताकि इसमें पानी ना जाए, तो इसकी भी इसका भी हो गया ये काम। बहुत लोग क्या करते हैं ये खोल तो लेते हैं लेकिन कुछ कुछ लोगों को पता नहीं होता कि इसमें सिलिकॉन गैस्केट रहती है या नहीं करके। तो हमेशा जब भी आप ये खोलें तो सिलिकॉन गैस्केट के साथ ही इसको पैक करें ताकि इसमें पानी ना जाए। तो चलो इसको असेंबल करते फिट कर देते, मैं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अभी इसको फिट करना बाकी रह गया। तो चलो भाई ये जो सिलिकॉन गैस्केट है इसको एकदम प्रॉपर तरीके से निकालें ताकि जो ये वाइंडिंग है उसमें थोड़ी सी भी आँच ना आए, एकदम स्मूथ तरीके से ये वाइंडिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये अपने बाइक का मेन पार्ट है। Thank you.
दोस्तों ये है मोटर और इधर ये हॉल सेंसर है, ये एक दो ये तीन ये हॉल सेंसर है। ये गाड़ी की जो टेम्परेचर है, गाड़ी की जो मोटर की जो टेम्परेचर है, मोटर का जो भी टेम्परेचर है, रेजिस्टेंस है, स्पीड है, मोटर कौन से पोजीशन में है, सब ये डिटेक्ट करते हैं। इसके वजह से मोटर रन होती है। अगर ये ख़राब हो जाएंगे तो मोटर रन नहीं होगी, मोटर वैसी की वैसी रहेगी। अगर वाइंडिंग अच्छी भी रही और ये ख़राब हो गए तब भी मोटर नहीं घूमेगी। तो कभी कभी बहुत बार क्या होता है, हमेशा ये तीनों हॉल सेंसर ख़राब हो जाते हैं और कुछ लोग तो डायरेक्ट ये मोटर ही बदल देते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो हॉल सेंसर है तो इसको अगर किसी के पास रिपेयर होते हैं तो रिपेयर कर लीजिएगा अगर ख़राब हो जाए तो। वैसे मैं तो इसको रिपेयर ही करता हूँ, मैं मोटर नहीं बदलता अगर ये ख़राब हो जाए तो। तो ये मेन काम होता है इनका, गाड़ी की जो मोटर की जो रिवॉल्यूशन है, स्पीड, उसको वो डिटेक्ट करते हैं कि मोटर की रिवॉल्यूशन कितनी है, मोटर की हीट कितनी हो रही है, मोटर ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रही है। उसके हिसाब से वो इसी को इंफॉर्मेशन देती है कि भाई मोटर बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है तो मोटर को बंद कीजिए, मोटर की स्पीड कम कीजिए। तो इसका ये काम होता है, ठीक है। जो है हॉल सेंसर, अभी इसको ये ऊपर की प्लेट लगाएंगे। दोस्तों ये है लॉक, इसका लॉक लगा है इसमें। अगर इसको निकालना है तो ये लॉक निकालना पड़ता है। प्रॉपर तरीके से इसकी फिटिंग नहीं की गई इसके लॉक की, लेकिन ये ठीक है, कोई बात नहीं, तो वाला काम नहीं है। दोस्तों अगर आप जब भी ये प्लेट फिट कीजिएगा तो थोड़ा इसको सॉफ्टिंग को नहीं क्या थोड़ा ग्रीस लगाएगा हल्का सा थोड़ा सा, ताकि ये प्लेट आसानी से बैठ जाए इधर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। गोट्या जसा गोट्याच बोलवणार जाऊ दे डायरेक्ट।
जास्त महाग नव्हते सर. आता जेवण आपण नागपूरला नाही का त्या दुकानी माझ्या मोटरची सामान गाडीचे सामान आणून इसको सूखने से जब भी आप स्क्रू लगाए क्रॉस में लगाए ताकि प्लेट ठीक तरह से बैठे, नहीं तो बहुत लोग एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे कुछ मतलब सीरियल नंबर से लगाते क्रॉस पैटर्न में नहीं लगाते, हमेशा क्रॉस पैटर्न में लगाना चाहिए. ये लंकी के 10 स्क्रू होते ऐसे पूरे एक साइड को 10 एक साइड को 10 ऐसे 10 स्क्रू लगे होते हैं. इसको एकदम प्यार से लगाना पड़ता है. वो पूरा का पूरा लग गई है अभी, इसकी पूरी फिटिंग होगी. इसको थोड़ा चालू करके देखेंगे चालू होती है. वैसे चालू ही थी, सिर्फ बेरिंग का काम था, बेरिंग हमने बदल दिया. चलो इसको टायर फिट करके लाते हैं. इसका टायर ये रेल्को का टायर लगा था, ये इसमें रेल्को का टायर लगा था, एकदम बकवास क्वालिटी का टायर है, बहुत जल्दी ख़राब हो गया. इसमें नए वाला टायर लगाएंगे, लगाने वाले हैं TVS का यूरो ग्रिप वाला. तो अभी हम इसको फिट करके लाते हैं. चलो तो दोस्तों टायर फिट हो गया एकदम. कुछ बातें आपको नोट करनी है तो कर लीजिए. अगर जब भी आप ये खोले तो थोड़ा ऐसे इसको उखाड़े हल्का हल्का, और उखाड़ने से पहले जो ये साफ्टिंग है इसको पहले एकदम अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए, ताकि जब भी आपकी ये आप ये प्लेट निकालें तो इधर ऐसे अटके ना, एकदम स्मूथली निकल जाए. अगर थोड़ा सा इसमें ग्रीस भी लगा दीजिएगा एकदम स्मूथ में निकलती है फिर, और इस साइड पर भी ठीक है. और जब भी ये प्लेट फिट करे तो इसकी जो टाइमिंग है और टाइमिंग नली की ये प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि नली बराबर फिट में बैठ सके. आपको वैसे जब भी खोलेंगे आपको वैसे तो दिखेगा, और इस साइड पे कोई टाइमिंग नहीं रहती, ऐसे ही रहता है. तो टाइमिंग की जो बात है सिर्फ ये नली वाली साइड में ही रहती है. तो अभी हम इसको फिट करेंगे और चालू करके देखेंगे, और
एक बात, जब भी आप ये रेट लगाए, अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस बात पे गौर कीजिएगा कि जब भी आप प्लेट लगाए वाली, तो उसमें सिलिकॉन गैसकेट जरूर लगाए ताकि वाटर अंदर ना जाए, और डस्ट सील भी अच्छी एकदम। अगर ख़राब हो तो नहीं डलवाए, ये ख़राब नहीं थी मेरी, तो मैंने ये पुरानी डली है। वैसे अभी मैं नई वाली बुलाऊँगा मैं, तो चलो फिट करते टायर। दोस्तों गाड़ी पूरी बन चुकी है, चक्का भी लग चुका है बड़े तरीके से। चाबी दिखा रहे, चाबी दिखा, चाबी हाँ। अभी गाड़ी चालू, चक्का घुमा घुमा घुमा, एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम बन गई गाड़ी। बेरिंग का प्ले भी एकदम निकल गया। थामो, रुक जा। बेरिंग का प्ले भी निकल गया। टायर इसमें 3 00 10 का टायर था, लेकिन एकदम घटिया क्वालिटी का टायर था, तो साला वो मेरे को TVS में उस नंबर का टायर नहीं मिला। मैंने ये 90 110 का टायर लगाया, मैंने जम गया एकदम तरीके से। दोस्तों भी गाड़ी तो बन चुकी है, हेलो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर ऐसी आपको नई वीडियोस चाहिए इंटरेस्टिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।